लगता है अपने घर की शादी में जितनी एक्साइटेड हमने लाबा की शादी में कितनी हुई है। अपने घर की शादी में किसी इनकी फैसल की भतीजी है और उसके भी पिछले साल शादी हुई थी। हुई इसमें लग रहा है हम लोग ने लग रहा है सिर्फ नाचने के लिए पैदा हुए थे उस वक्त। इतना नाचे इतना और मुझे किसी ने नाच करते हुए नहीं देखा। थीम रखी गई थी अच्छा ढोलकियों में। हाँ एक दिन हमने इंडियन थीम रखी थी सबने लाइक बॉलीवुड थीम फॉलो की हुई थी। सब गोल गोल ये लगाए हुए थे और चुनरियां पहनी हुई थी चुनरियां लाइक अर्थ बिल्कुल ना। और एक दिन फंकी थीम रखी थी। थीम्स के हिसाब से हम लोग फॉलो हुए तो हमारे सारे दोस्त भी फॉलो कर रहे थे तो बड़ा प्यारी यादगार हमारी मेमोरी। आपस की बात है जो हमारे यहाँ की शादियाँ होती है बहुत मजा बहुत मजा उनके घर की शादी में मजा इसलिए आता है क्योंकि फैसल एक बहुत जॉली और एक बहुत लाइवली आदमी है। और हमारे खास इंस्ट्रक्शन थी फोन करके सुनो तुम बहुत शादी हो खबरदार मेरे घर में शादी आई। तो मैं इस लाइबा की शादी पे जब गई हूँ बारात पे तो मैंने माथा पट्टी लगाई हुई मैंने झुमके पहने हुए मैंने पत्नी घाघरा पहना हुआ शरारती थी फैसल। मैंने ये अपना मुंह लेके मत आना क्योंकि शादी है अगर ऐसा आना तो बिल्कुल आने अरे धमकियों की सूरत में तो बुलाया जा रहा था कि पहले ऐसा होता था कि अब आपकी बहन या आपकी इमीडिएट फैमिली की शादी है अब शो बिजनेस में किसी की शादी हो रही है जैसे एमन मुनीब की शादी हुई थी उस पर सबने बहुत इंजॉय किया था। तो लाइक कोई ऐसी शादी होती है जब शो बिजनेस की होती है उसमें सब सारे लोग आते भी हैं सब डांसेस भी प्रिपेयर करते हैं ढोलकियाँ फलाना ढमाका ये सब तो वो बहुत इंजॉयमेंट क्योंकि हमारा उठना बैठना आप जाहिर है इधर ही हो रहा होता है। लेकिन घर की शादी में ज्यादा मजा आता है क्योंकि हम शुरू से शॉपिंग से लेके खानदान वाले प्लानिंग वो सारी चीजें मिलके कर रहे थे प्रैक्टिस भी हो रही होती है बड़े भी छोटे भी हर एज ग्रुप। अच्छा एक और होता है खानदान की शादी में ना बाहर से जो आपके रिश्तेदार इतने सालों से बाहर होते हैं वो उनसे मिलने का मौका मिलता है। मुझे तैयारियों में ज्यादा मजा आता है क्योंकि शादी का जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती कम होती है। अच्छा लेकिन वो जो लोगों का आना लेट नाइट गॉसिपिंग लास्ट डे तक भी कोई ना कोई मार्केट जा रहा होता है जिस दिन फंक्शन है उस दिन भी मार्केट जा रहा होता है। चाहे जितनी भी तैयारी कर लो चुन्नी मुन्नी कुछ बुंदे बाली लास्ट मोमेंट तक अटके रहेंगे चाहे सालों से तैयारियां चल रही है छोटी छोटी चीजें।